प्रकृति ने तो सारी चीजें दी है सर, बहुत चीजें दी है, लेकिन सब कोई चीजें जुड़ना ही तो नहीं चाहता दी प्रकृति, तो वो तो पैसा खर्च कर लेंगे भाई साहब, दुकान पे मिलती वो बता दो तुम। दुकान में मिलती जो होता है। हाँ तो शॉर्टकट तरीका बता, मेहनत मेहनत थोड़ी करनी है, शॉर्टकट बता। ये भी 5 से 10 ग्राम होना चाहिए आपका एक बकरी का। ये हम केवल अपनी जो बकरी है ना उनको ही देते हैं सर, ये एक बकरी के हिस्से में 5 से 10 ग्राम आना चाहिए। ये मिनरल आ गया सर, एक बकरी को आपके 5 ग्राम हल्दी तो चली जानी चाहिए, यानी कि 1 चम्मच हल्दी अगर बकरी रोज खाए ना तो उसको तकलीफ नहीं होगी, कभी बीमार नहीं होगी आपकी बकरी। अच्छा। और मान लो बीमार हो भी गई तो उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी वो नॉर्मल चीज़ से ठीक हो जाएगी। वरना तो कई बार क्या होता है, हम इंजेक्शन भी दे रहे हैं ना तो भी इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं, बेअसर हो रहे हैं। अच्छा। तो उस जानवर में ये देखिए कि उसकी इम्यूनिटी जो पावर है वो कमजोर है। अब जैसे हम इसको फ्री करते हैं सर, फीड चारा हार, ये है आपका सीड। अच्छा। इसको हम दाना हार बोलते हैं। अच्छा। इसमें और क्या मिला हुआ है इसमें? बताएंगे आपको, वो फीड है, हरी पत्ती चली गई, दूसरा क्या आपका ये सीड, ये दाना है। और जैसे मैंने इसको मिलाया सर, अब इसके अंदर है मूंगफली की खल। अच्छा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, चना चूरी दूसरा, ठीक है सर, तीसरा इसके अंदर है जौ का दलिया, ठीक है, बाजरे का दलिया, मेथी, ठीक है, हल्दी, नमक, तीनों काला सेंधा और सफ़ेद, बिल्कुल वही, ठीक है सर, ये सभी और मिनरल मिक्सर, ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपको मिलाने हैं, तब जाके आपका एक संपूर्ण जो है वो आहार बनता है बकरी का। इससे दूध की मात्रा भी रहे, हेल्थ भी रहे, सब चीज़ों पे ये काम करता है। सबके लिए, ब्रीडर के लिए या प्रेग्नेंट बकरी वगैरह के? ब्रीडर के लिए नहीं है सर, ये हमारी प्रेग्नेंट बकरी है या जो दूध देने वाली बकरी है, ये हम 12 महीने इसी को खिलाते हैं। अच्छा अच्छा। और इसी के अंदर जाएगा सर तेल, ऑयल, काय का तेल है? अब बिनोले का तेल, कपास वाला तेल जिसको बोलते हैं। अभी आपको शुरू कर देना है। अच्छा। और जब थोड़ा सा अगला जब महीना आएगा तो अब हम इसके अंदर गुड़ की मात्रा डाल देंगे हल्की सी। अच्छा। तो गुड़ भी जो है वो 5 ग्राम या 10 ग्राम एक बकरी का रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अभी अगर आप गुड़ दोगे तो गर्मी का महीना है, गर्मी में गुड़ नहीं देना चाहिए, वरना गाभिन पशु को तकलीफ हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ आपको तिल्ली का तेल यूज नहीं करना है, न सरसों का तेल यूज करना है, आप बिनोले का तेल यूज कर सकते हैं। अच्छा। ये ताकतवर भी है, ठीक है, अब इसकी तासीर न तो गर्म है न ठंडी है। अच्छा। ये एनर्जी बूस्टर है। अच्छा। ठीक है सर, ये एनर्जी बूस्टर है। अच्छा। अब इसको एक साथ मिलाया आपने, जैसे ये देखिए आप, इसको मिलाना अच्छी तरह से, ये कितने जानवरों के लिए होगा ये? ये अभी आपके सामने 20 बकरियां टूट के पड़ेगी सर, इस पे 20 बकरियों के लिए ये रहेगा करीबन करीबन 150 लीटर पानी। अच्छे से मिक्स कर लिया मतलब इसको? बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स करना है, मिक्स तो आपको पूरी तरह से करना है। और इसके अंदर एक चीज़ और है सर, जैसे आप मेरे बालों को देख रहे हैं चिपकते हुए, ये देखो क्या चीज़ है, पहचानो आप उसको क्या चीज़ है, इसके अंदर असालिया जो कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है, ये नेचुरल है। बाजार के कैल्शियम को क्या करोगे आप, किसानों के पास भी कैल्शियम मिलता है, खेती वाले हैं उनको प्रोत्साहन करो आप, हैं? प्रकृति ने तो सारी चीजें दी है सर, बहुत चीजें दी है, लेकिन कोई जुड़ना ही तो नहीं चाहता प्रकृति, तो वो तो पैसा खर्च कर लेंगे भाई साहब, दुकान पे मिलती वो बता दो तुम। हाँ तो शॉर्टकट तरीका बता, मेहनत मेहनत थोड़ी करनी है, शॉर्टकट बता।
उसके जो साइड इफेक्ट है वो भी फिर वो झेलने पड़ते हैं, झेलने पड़ेंगे, झेलते रहेंगे, झेलना तो ठीक लगता है, फिर चक्कर ज़्यादा कटेंगे उसके वहाँ पे मेडिकल पे। यहाँ तो मेरे तो इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं साहब जो गाड़ी की 180 की स्पीड है ना, तो उसको दौड़ा के देखना चाहते हैं 180 पे जा रही कि नहीं जा रही है, वो तो देखते हैं, वो प्रैक्टिकल जरूर करेंगे, मेहनत वाला प्रैक्टिकल कह देंगे, मेहनत करनी वो नहीं होगा हमसे। ये प्रेग्नेंट बकरी का सप्लीमेंट है, मतलब प्रेग्नेंट का है, ब्याई हुई का है, सभी एक साथ चलेगी हमारी। अब मान लीजिए जो ब्याह गई हमारी 5-7 बकरियां वो भी इसमें चलेगी, जो ग्याबन है वो भी चलेगी, ठीक है, जो हमारी दूध देने वाली बकरी है वो भी चलेगी, ये सभी के लिए सदाबहार सप्लीमेंट तैयार किया हमने, कभी भी असर नहीं पड़ेगा। मान लो आज ये बकरी ग्याबन होती है, कल अगर इसी फीड को वो सीड को खाती है इस दाने को, उसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा, उसको गर्माहट नहीं करेगा ना नुकसान देगा ये। अच्छा, और मौसम का भी कोई फर्क नहीं पड़ता? ना ना कोई फर्क नहीं पड़ता, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दूध की मात्रा उसकी अच्छी रहेगी, हेल्थ मेंटेन रहेगा, और वो टाइम पे क्या बनोगा। हमारे यहाँ रिपीटर की शिकायत क्यों नहीं आती? अच्छा, ये हल्दी का ही तो कमाल है, 100 रोगों की दवाई है जी हल्दी, हम नहीं करते जी किसी का विश्वास, हम तो हमारी हल्दी का विश्वास करते हैं। ये देखो आप, इतनी ताकत होती है, बालों को कैच कर लिया असालिया ने, ये असालिया है देखो कितनी चिकनाहट है इसके अंदर। अब आपको तेल दिख रहा था उसके ऊपर अलग से, सब इसके अंदर मिक्स हो गया। दे अब ये पानी मैं वापस डालूंगा एक बार और। टने दे, टने दे। लेगा उसको लेके आ रहा गुड़ी को, आराम से खोल दे इसको एक बार, यार ढंग से बंद कर दे इसको एक बार। तो खोल दे इसको या बंद कर दे, खोल दे एक बार। आ जाओ मार मार मुंडा से मार। मेंढकी